हेलो एवरीवन, वेलकम टू व्हाट्सअप बॉलीवुड। बॉलीवुड के सुपरस्टार और मिस्टर परफेक्शनिस्ट कहे जाने वाले आमिर खान ने अपनी दूसरी वाइफ किरण राव के साथ डिवोर्स का ऐलान करके सभी को चौंका दिया। फिल्म स्टार आमिर खान और फिल्म प्रोड्यूसर डायरेक्टर किरण राव ने एक ऑफिशियल पोस्ट शेयर करके फैंस को इस बात की जानकारी दी। आमिर खान और किरण राव ने 15 साल पुरानी शादी को खत्म कर हर किसी को सरप्राइज कर दिया। इसके पहले आमिर खान ने अपनी फर्स्ट वाइफ रीना दत्ता को भी शादी के 16 साल बाद तलाक दिया था। एक्टर आमिर खान ने जहां दो बार शादी की तो वहीं उनके चार हसीनाओं के संग नाम भी खूब जुड़े। आइए देखते हैं आमिर खान के रूमर्ड अफेयर्स की लिस्ट। इस लिस्ट में सबसे पहला नाम शामिल है आमिर खान और पूजा भट्ट का। जी हाँ, फिल्म स्टार आमिर खान और पूजा भट्ट के अफेयर की चर्चा 90s के दशक में खूब चली थी। इन दोनों के अफेयर की खबरों को उस वक्त हवा मिली जब दोनों फिल्म दिल है कि मानता नहीं की शूटिंग कर रहे थे। इन खबरों के बाद से ही एक्टर की पहली वाइफ रीना दत्ता के साथ उनके शादीशुदा जिंदगी में कलह की खबरें सामने आने लगी। आमिर खान और जेसिका हाइंस। आमिर खान का ये रिश्ता एक ऐसा डार्क सीक्रेट है जिसके बारे में ज्यादा लोग डिस्कस तो नहीं करते हैं, लेकिन इसके बारे में अगर आप जानेंगे तो हैरान हुए बिना नहीं रह पाएंगे। दरअसल आमिर खान का नाम एक ब्रिटिश पत्रकार जेसिका हाइंस के साथ भी जुड़ा था। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो आमिर खान और जेसिका हाइंस का नाम फिल्म गुलाम के सेट पर जुड़ने लगा था। उन दिनों हाइंस अमिताभ बच्चन की ऑटोबायोग्राफी पर काम कर रही थी। आमिर खान से उनकी मुलाकात इसी दौरान हुई थी, जिसके बाद कथित तौर पर ये दोनों लिव इन रिलेशनशिप में भी रहे। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो इस दौरान हाइंस प्रेग्नेंट हो गई। रिपोर्ट की माने तो आमिर खान नहीं चाहते थे कि हाइंस इस बच्चे को जन्म दे, इसीलिए उन पर अबॉर्शन के लिए दबाव डाला। पर हाइंस ने 2003 में अपने बच्चे को जन्म दिया और इसका नाम उन्होंने जान रखा। माना जाता है कि आमिर खान का ये बच्चा आज मॉडलिंग के वर्ल्ड में काफी नाम कमा रहा है, लेकिन उसे कभी भी आमिर खान का नाम नहीं मिला। आमिर खान और प्रीति जिंटा, ये किस्सा बहुत कम लोगों को पता है, लेकिन कहा जाता है कि आमिर खान और प्रीति जिंटा का एक सीक्रेट बेबी भी है। दिल चाहता है कि शूटिंग के दौरान आमिर खान और उनकी को स्टार प्रीति जिंटा का नाम खूब हवा में उछला था। कहा तो ये भी जाता है कि प्रीति जिंटा की वजह से ही आमिर खान और उनकी पत्नी रीना दत्त की शादी टूट गई थी। अफवाहों में ये भी बताया गया था कि आमिर खान और प्रीति जिंटा ने चुपचाप शादी रचा ली और दोनों ने उन्हें दुनिया की नजरों में इसे एक सीक्रेट रखा। हालांकि सालों बाद इन खबरों पर चुप्पी तोड़ते हुए प्रीति जिंटा ने इन्हें नॉनसेंस कहा था और प्रीति ने कहा था कि आमिर सिर्फ उनके अच्छे दोस्त हैं और कुछ भी नहीं। आमिर खान और फातिमा सना शेख। इसके बाद एक्टर आमिर खान का नाम उनकी फिल्म दंगल में बेटी की भूमिका निभाने वाली एक्ट्रेस फातिमा सना शेख के साथ भी जुड़ा। साल 2016 में इनके अफेयर की खबरें जोरों पर थीं। उस वक्त कई बार इन दोनों को हाथों में हाथ थामे पब्लिकली भी देखा गया। रिपोर्ट्स ये थी कि यशराज फिल्म्स की ठग्स ऑफ हिंदुस्तान भी फातिमा को सुपरस्टार आमिर खान के चलते ही मिली थी। आमिर खान और फातिमा के अफेयर की खबरों के बीच ही दूसरी शादी में भी कलह की खबरें सामने आने लगी थी। ऐसा माना जाता है कि फातिमा सना शेख के साथ रिलेशनशिप में होने की वजह से ही आमिर खान ने किरण को तलाक दिया है। तो ये थे आमिर खान के अलेजेड लव अफेयर्स। इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे कमेंट्स में हमें जरूर बताइए, और ऐसे ही अपडेट्स के लिए देखते रहिए व्हाट्सअप बॉलीवुड।